ये देखिए फ्रेंड, जब मैंने इसको बोला प्यार से कि पी लो तो नहीं, अभी जब मैं पी रहा हूँ तो मेरा तो पहले आधा माशाल्लाह पी लिया, ये और ये दोनों मिलके, ये भी कम नहीं है। दिव्या अम्मी वो बोल रहा हूँ, हनान सिद्दीकी भाई एक है हमारे सब्सक्राइबर जो कि बांग्लादेश से है, तो वो तुम्हें सलाम बोले। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नबीला सादान ब्लॉग पे, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और पीछे कपड़े के साथ साहिबा का कपड़ा लगा हुआ है और साहिबा यहाँ पे बैठी हुई है, क्राफ्ट कर रही है और ये छुपाने चली गई वैसे ही होगा। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे रात के 10:20 और अभी जस्ट मैं जो है व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी तक उन्होंने खाना ना कुछ नहीं खाया है। अभी जस्ट साहिबा जो है, कल इसका एक्चुअली एग्जाम है जरियान का, मैथ्स का क्लास टेस्ट है ना साहिबा, लेकिन मार्क्स जुड़ेंगे क्या? और 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एग्जाम है, लेकिन वो फाइनल में जो है मार्क्स जुड़ते हैं 10 मार्क्स, तो इसीलिए पहले तो इसको पढ़ाई अच्छे से जम के, और अभी माशाल्लाह पढ़ा के उसका कुछ क्राफ्ट का सा काम है, क्या बोलते हैं क्राफ्ट बोलते हैं ना भाई, क्राफ्ट का काम है। क्या बनाना है बता दो जरा, इधर देखो कैरेट। और देखिए अभी भी मेरे गेट के पीछे माशाल्लाह क्या क्या लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला तो मेरा गियर है, राइडिंग गियर है सब जो रखा हुआ है ब्लैक वाले बैग में। हर जगह साहब कपड़ा, चेयर के पीछे भी कपड़ा, शिट तुम फंस चुकी हो आज बहुत बुरी तरीके से। सो देख, और यहाँ भी कपड़ा रख दिया तुम, देखो मोमो का कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ एसी के पास। अरे मैं कहाँ रखूँ जगह? हाँ देखो वहां भी कपड़ा था, हटा ली जल्दी से, वहां से उठ के हटाइए अभी तो चलो ठीक है जो भी है। तो हम लोग बैठे हुए थे और साहिबा कर रही थी, तो साहिबा का दिल हो रहा है कहीं नीचे जाने का, राउंड मारना, तो साहिबा बनाई है। वैसे खाना बन चुका है हमारा, अभी हम लोग खाना खाया नहीं है। क्या बना है साहिबा बताओ? बैंगन, बैंगन का क्या और बैंगन का भाजा, दाल दाल चावल बैंगन का भाजा, तो यही बना हुआ है। लेकिन आज मेरा दिल हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है बिरयानी की, और अच्छी बिरयानी। तो जब अच्छी बिरयानी होती है तो सबसे अच्छी बिरयानी मुझे लगती है जमजम की बिरयानी। तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा राउंड भी मार लेंगे, काफी दिनों का एक छोटा सा राउंड हो जाएगा। और जरियानी मशाला शाम से पड़ रहा था तो थोड़ा उसका भी हवा पानी चेंज हो जाएगा। यही तो मोमो भी आ गया मेरा अभी जस्ट, ये भी अपना चिकन विकन खा के बैठा हुआ है। सो अभी हम लोग फिर वही जा रहे हैं, तो मैं बोला चलो बिरयानी भी ले लेंगे जमजम से और थोड़ा राउंड भी हो जाएगा, फिर आके खाना खाएंगे तो एक छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा और आपसे भी शेयर कर लूंगा। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ तैयार, मतलब कपड़े चेंज करने के लिए। अभी जस्ट मैं आया हूँ घर, आके नहाया धोया हूँ, फ्रेश किया हूँ, और आज बहुत दिन बाद देखिए शैम्पू के साथ कंडीशनर भी किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहिए, मैं जल्दी से फ्रेश हो वाला कपड़े चेंज कर लेता हूँ, साहिबा भी थोड़ा सा काम कर ले, फिर 5 मिनट में निकलते हैं। तो कहाँ जा रहे नहीं जा रहे सबको दिखाते हैं, और बिरयानी लेकर आते हैं, और भी अगर कुछ मिलेगा तो वो भी लेंगे। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और हम लोग बस रास्ते में ये चल रहे हैं और ये गाड़ी चला रहे हैं, देखो। हेलो फ्रेंड्स। और इतनी बड़ी बेवकूफ है, गाड़ी जो है कल तुम ली थी उसको भी ले आज, कभी चेन कट जाती है। बस जल्दी जल्दी मैं भूल गई, क्या बोलूँ मैं, बस भूल के चेन एक्चुअली बड़ी हो गई है बहुत ज्यादा और मेरे हाथ एकदम पतले पतले, तो इसलिए पतले पतले नहीं है गाइस, माशाल्लाह अच्छे खासी हड्डी कट। नहीं 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 देखो गाइस, पतले पतले देखे वो ना मीम है ना, पता ही नहीं चलता है कि वो खाते हो नहीं नहीं, वो तो क्या मीम बना है ना, ये पता ही नहीं चलता है कि कब वो 50 किलो की जिम्मेदारी 70 किलो की हो जाती है शादी के बाद। वही मेरा हाल है, लाया था 48 किलो का, पता नहीं कब देखते देखते 110 किलो, मैं 60 किलो की थी शादी के टाइम, अभी माशाल्लाह अच्छी खासी थी। अभी कितनी होंगी, 65 60? नहीं जब रिश्ता लगा था उस टाइम 40 था ना, उस जिस वक्त रिश्ता 48 एकदम सूखे लटको। तो मेरे पापा ही ने बोला था, मतलब मेरे ससुर को, इरफान नाम है मेरे ससुर का, तो पापा ने बोला था इरफान देख लड़का माशाल्लाह बहुत हट्टा कट्टा है, तो तेरी बेटी बहुत दुबली है, तो लेकिन जोड़ी खराब लगेगी, तो अभी 6 महीने का टाइम है शादी में, तो थोड़ा साहिबा को जम के खिलाओ पिलाओ, थोड़ा सा उसको मतलब मोटा ताजा करो कि वलीमे में जब बैठे तो अच्छी लगे साथ। उस बात मम्मी ने वो दूध चले भी मुझे इतने ड्राई फ्रूट, इतना दूध चले, मैं क्या भिजाता था बता दो, ये मुझे कभी कभी भिजवाते थे, मतलब मेरा अरमान रह गया कि मुझे कुछ अच्छे गिफ्ट भिजवाएंगे, ये मुझे भिजवाते थे चनाचूर चिप्स जो बच्चों को भिजवाते हैं, और सिर्फ खाने पीने का सामान था, इतना सीरियस हो गए थे ये लोग मुझे मोटा करने के लिए कि ये भी मुझे खाने पीने का ही सामान भिजवाते थे, पूरा झोला भर भर के जाता था। हाँ भर भर के झोला, वैसे मैं हमेशा से बहुत ज्यादा खाती हूँ पर पता नहीं कहाँ जाता लगता क्यों नहीं मुझे, तो बस ये जा रहे फ्रेंड्स, पहले जमदम से बिरयानी ले लिए, और मेरा दिल हो रहा है कुछ ठंडा पीने का, मैंगो शेक वगैरह, तो एक जगह है हमारे यहाँ बनाता है, वो दिल्ली वाला है, दिल्ली 6 ना, दिल्ली दरबार, दिल्ली जूस, वो दिल्ली जूस, कहाँ जाए मेरे जूस पी, बहुत मिल रहा है गाड़ी में, तो इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हम मिलते हैं आपको वहीं पे।
कहाँ पे? जमजम में। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए बिरयानी लेने, और ये भी गए बिरयानी लाने जरियान के लिए। और ये वाला जो ब्रांच है जमजम का, ये सबसे पुराना है और ये फूल बगान में है। तो अब ये आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मैं जरियान यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए, तो बस अब इनका वेट ही, ये आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आ भी गए लेके बिरयानी, तो अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए, अभी बिरयानी ले लिए, फिर उसके बाद शीरमाल लिए हैं। शीरमाल बोले तो पराठा होता है जो तंदूरी में बनता है, वो मैदे का, उसको शीरमाल बोलते हैं, वो लिया हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं जूस सेंटर। तो जूस का सेंटर का नाम मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो साहिबा का दिल नहीं हो रहा आके पीने का, बोली नहीं मेरा दिल नहीं हो रहा पीने का, बोली मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला देना। तो मतलब एज योर विश। और मैं लिया हूँ अपने लिए बनाना शेक, दरियान को भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और बोला आइसक्रीम का चार खाना है। तो मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी फरमाइश है। तो इसको आइसक्रीम खाना है और साहब को कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो बोले ठीक है, पहले मैं जो पीने, तो यहाँ पे उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे और आइसक्रीम भी ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है तीन वैरायटी होता है, 50 का, 80 का, 100 का। तो मैं अकेले पीऊंगा, तो 50 वाला लिया मैंने बनाना शेक। तो चलिए तो बनाता है, बन जाए, जब आएगा तो दिखाता हूँ कैसा है नहीं है। और 50 वाला भी काफ़ी बड़ा होता है, एक इंसान एक आदमी के लिए काफ़ी। और हम लोग जब तीनों को पीना चाहता तो मैं बड़ा वाला था 100 वाला, लेकिन ये लोग को पीना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले पी लूँगा। और इतना होता है ना कि पेट भर जाएगा, अभी खाना भी खाना है, तो एक ही ले रहा, उसमें थोड़ा साहिबा को दूंगा आधा, क्योंकि अगर पूरा पी लूंगा ना तो फिर खाना नहीं खा पाऊंगा। सो ये रहा फ्रेंड्स, ये वाला जूस सेंटर है, बिल्कुल आपको पीटर हट है, पार्क स्ट्रीट है, बस उसी के सामने में है। और यहाँ पे जरियान है, तो चलिए बन रहा है अभी, तो बन जाएगा उसके बाद फिर लेते हैं। और यहाँ पे साहिबा जो है यहाँ पे खड़ी होकर है छुप कर। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहती हो? आ गया हूँ मैं कैमरा लेके। हाँ कुछ नहीं, मत बोलो, यहाँ पे बन रहा है अभी, तो चलिए बन जाए उसके बाद पीता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? अभी तुम बोली कोल्ड ड्रिंक पियोगी। ओ हाँ, नहीं। ए भाई पीना तो ये पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। तुम्हारा और आइसक्रीम? नहीं आइसक्रीम। अच्छा तेरा तो आइसक्रीम ही लूंगा। हाँ तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। कोल्ड ड्रिंक कल से मेरा मन आइसक्रीम। एक चीज ये रहा एकदम अच्छे से, मैं आपको कहूँ ना कहाँ पे। तो ये रही अरसलान है हमारे यहाँ का रेफरेंस शीट वाला, एकदम उसके सामने ही में ये वाला जूस सेंटर। तो चलिए आ जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ थोड़ी ही देर में। मेरा आया है और आते साथ मैं नहीं पीऊंगा, मुझे आइसक्रीम चाहिए और ये चाहिए, और यहाँ पे इनको ये चाहिए। अब बोला ये भी पीना है, तो बोला पी लो थोड़ा सा, ऐसे मैं पूरा नहीं पीऊंगा। तो देखिए 50 रुपये का भी गिलास काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे, और बनाना शेक है प्लस ऊपर से जो एक क्यूब इसमें आइसक्रीम डाला जाता है। तो आज का रिव्यू जरियान देगा, कैसा है जरियान? अच्छा टेस्टी। बहुत अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग पी लेते हैं, फिर घर चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इसको बोला प्यार से कि पी लो तो नहीं, अभी जब मैं पी रहा हूँ तो मेरा तो पहले आधा माशाल्लाह पी लिया, ये और ये दोनों मिलके, ये भी कम नहीं है, और मेरा पी लिया। और अब फिर बोल दिया सुनो नहीं काम करो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, हम लोग को ये पिला दो। तो मैंने फिर यहाँ पे लिया, क्या फ्लेवर लियो तुम? मैंगो फ्लेवर। तो इसमें भी दिखाओ सब एक बार, वैसे ही है पूरा जूस, और ऊपर से पूरा एक क्यूब बड़ा वाला और मैंगो का, और ड्राई फ्रूट्स तो रहता ही है। तब कोल्ड ड्रिंक नहीं तुम्हें? इसके बाद क्या चाहिए? आइसक्रीम नहीं हो गया पक्का? तो चलो पियो, मुझे बनाना पसंद है इसको, ये तो अपना अपना टेस्ट बट अपनी अपनी पसंद। चलो पी लो फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी बज रहे रात के 11:45, तो मतलब और 5 मिनट बाद 12:15 हो ही जाएंगे। तो हम लोग अभी आए 10 मिनट पहले, तो अभी आकर बैठे हैं, फ्रेश हुए हैं, और अभी आकर जो खाना खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है। तो जो भी हमने वहाँ पे तो बहुत मज़ा आया पीकर, तो ये लोग को फिर, लेकिन मेरे साथ धोखा ये हुआ कि वहाँ से पी के तो हम निकल गए, लेकिन फिर साहिबा ने लास्ट में जो है कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। तो मैंने बोला ये तो बात गलत है, लेकिन वो पी के रही, अभी खाना निकाल रही है। और जरियान अभी खाना नहीं खाएगा, बोला बिरयानी भी नहीं खानी है पापा, पेट भर गया उसका पूरा, वो आधा आधा पी के। तो बोला अगर भूख लगेगी तो रात में खाऊंगा, अभी छोड़ दो। तो बोले ठीक है, तो पता नहीं कितनी रात में खाएगा और कब रात होगी, 12 बजने वाले बोलता रात में। और अभी जरियान जो है मोमो के साथ खेल रहा है, अम्मी भी आके बैठ गई, अम्मी मैं और साहब अभी खाना खाएंगे बैठ के। तो चलिए हम लोग खाना निकालते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या लेकर आए यहाँ पे। फ्रेंड्स अभी जरियान जो है मोमो के साथ बिजी है, और मोमो अपनी जगह, मोमो यहीं पे सोता है अब रात में, अपनी जगह पे अभी से जाके लेट चुका है, वो खाने के लिए बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ये क्या है अम्मी, दाल बनाई थी क्या? क्या है ये दाल? और मसाले वाली दाल, और यहाँ पे ये पानी वाली दाल, इसको मैं बोलता हूँ पानी वाली दाल बोलते हैं। अल्लाह इतनी सी दाल में क्या होगा साहिबा? अरे तो
आप लोग वो खाना, मैं ये वाह वाह वाह। और यहाँ पे चावल वावल है, और ये साहिबा ने जो चिकन भाजा बैगन भाजा बनाया था, और ये मैं बाहर से लेकर आया हूँ क्या बोलते हैं इसको, हांडी कबाब। हांडी कबाब तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो ये ले लिया है। और रोटी है, और शीरमाल साहिबा निकालो जो मैं बोला था शीरमाल। और यहाँ पे अम्मी बैठी हुई है, अम्मी वो बोल रहा हूँ हनान सिद्दीकी भाई एक है हमारे सब्सक्राइबर जो कि बांग्लादेश से है, तो वो तुम्हें सलाम बोले। वालेकुम अस्सलाम। और बोले हैं कि अम्मी को बोलना है कि उनका एक बेटा बांग्लादेश में भी है, तो क्या कुछ बोलना है? खुशी की बात है, तो इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो मिलना है। तो चलिए, और देखिए शीरमाल जो मैं कह रहा था आपको, ये इससे शायद पहले भी मैंने कोई व्लॉग में आपको दिखाया एक बार दो बार, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यही है शीरमाल, ये जो है पराठा ही होता है लेकिन ये मैदे का होता है बिल्कुल, और इस तरह से डालडा में बनता है ये। तो बस यही है। सो ओवरऑल हमारा खाना यही है आज का। तो चलिए इसको बिस्मिल्लाह करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना वाना हो गया है, और अब हम लोग जो है कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए मतलब, और अब जा रहा हूँ सोने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 12:45 रात के, और साहिबा जो है सब अपना मतलब सहत रही है, रात का जो काम होता है जो बच गया खाना वाना, बर्तन वर्तन साइड करके अभी फ्रिज में रख रही है, उसके बाद वो भी लेटेगी बस। और कल फिर जरियान का क्या है, स्कूल जाना है, तो मुझे जाना ही होगा। आज बहुत ज्यादा थकान वाला दिन हो गया, पता नहीं थकान थकान लग रही है। रोज जाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको छोटा सा अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कमी भी लगी तो भी कमेंट करें, और अच्छा लगा तो भी कमेंट करें। और यहाँ तक अगर इस व्लॉग को देख लिया और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है जरियान, सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और बाय।